एसके क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमित कुमार, मेरे द्वारा आप लोग इतिहास का संक्षिप्त और समग्र अध्ययन करेंगे और इतिहास के बारे में इस प्रकार से अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही सरल और रोचक तरीके से होगा, जिसमें छोटे या बड़े जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उनमें जो है क्वेश्चन भी हम प्रश्न भी हल कर पाएंगे उसके, और साथ ही जो इंटरेस्ट है, जो भी जो लगन है वो भी बढ़ेगी इतिहास को पढ़ने के बाद। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इतिहास बहुत ही अलग प्रकार का विषय है। अगर इसमें थोड़ी सी हम रोचकता अगर पैदा कर दें और क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करें तो यकीन मानिए कि सारा का सारा विषय बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्टोरी है, कोई भी कहानी है, कहानियों को सारा हम इतिहास का वर्णन देते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं हो उनको भी हम इतिहास का अध्ययन का रूप दे देते हैं। राजनीतिक व्यवस्था हो उसका भी हम इतिहास में उसका भी हम वर्णन करते हैं। मतलब जो भी इस समय हमको दिखाई दे रहा है और पूर्व में जो हो चुका है, वर्तमान में जो उनका अध्ययन करना है, वो संपूर्ण का संपूर्ण सारा का सारा इतिहास है। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखते हैं स्टार्टिंग से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सरल तरीके से, अपने आप को बिल्कुल एकाग्रता के साथ क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले हम लोग इतिहास का। मान लो कि इतिहास की उत्पत्ति से अगर हम मान लें कि इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इतिहास में हम लोग पढ़ते क्या हैं, इतिहास में किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से उथल पुथल हुई हैं, प्राचीन काल में स्थितियां क्या थीं, वर्तमान काल में स्थितियां क्या थीं और आने वाले समय में स्थितियां कैसी होंगी, इस सारी व्यवस्थाओं का वर्णन हम स्टार्टिंग से करेंगे। मान लें बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि इतिहास की परिभाषा ही से ही ले लें तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई है, लेकिन सबका मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही प्रकार एक ही तरफ से जाता है कि प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वर्तमान का उनका वास्तविक अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। सारी के सारे इतिहासकारों का मत एक ही तरफ पहुंचा है कि प्राचीन काल में, अतीत काल में, पूर्व काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं वर्तमान में उनका अध्ययन करना ही इतिहास है। और वह अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में भी, जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने कोई जो है आपकी किताब पढ़ी, कौन सी धार्मिक किताब पढ़ ली, मान लो एग्जाम्पल में कि हमने कोई धार्मिक किताब पढ़ी, धार्मिक किताब का नाम रामायण है और राम का हम उसका अध्ययन करते हैं, राम के जन्म से लेकर राम के जीवन में जो जो परिवर्तन हुए हैं, कहाँ कहाँ वो किस प्रकार से अपना योगदान दिए हैं, वो सारा का सारा हम अध्ययन रामायण के माध्यम से करेंगे और वह जो किताब रहेगी वही क्या है, हमारा एक स्रोत बनेगा इतिहास को जानकारी प्राप्त करने का। अब वो अगर हम किताब बीज से पढ़ने लगे तो राम की तो कहानी पूरी गड़बड़ा जाएगी, इसलिए राम के जन्म से लेकर आगे स्पष्ट होता है ये कोई या कोई भी विषय मान लो कि अगर हम क्रमता से चलें और क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करें तो वो एकदम से हमें समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। देख लेते हैं, जैसे इतिहास की परिभाषा में हमने देखा कि अतीत काल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, पूर्व काल में जो घटित घटनाएं घटित हुई हैं वर्तमान में उनका अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। जैसे अब
अगर हम छोटी सी जानकारी ये ले लें कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, किस किस स्रोतों के माध्यम से किस किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वो सारा का सारा यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मान लें हमने परिभाषा तो जान ही ली है कि इतिहास क्या है, अतीत काल में घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास है, ठीक है। अब अगर हम इतिहास ये कहें कि हम इतिहास में क्या मनुष्यों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। अब मनुष्यों का अध्ययन करने के लिए ही हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मनुष्य का अध्ययन करने के लिए एक जो विषय बनाया गया है, एक जो प्राचीन विषय आधुनिकता के साथ बनाया गया है, वही क्या है, इतिहास। जैसे मान लें कि इतिहास में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, क्या इनका भी पूरा का पूरा जो है परिवर्तन हमको इतिहास ग्रंथों से प्राप्त होता है? बिल्कुल प्राप्त होता है। जैसे मान लेते हैं इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलती है, इतिहास की जानकारी मुख्यतः तीन स्रोतों से मिलती है। वो स्रोत मान लें कि जैसे साहित्यिक स्रोत ले लें, एक साहित्यिक स्रोत, इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत मान लें। एक होगा साहित्यिक स्रोत, दूसरा जो स्रोत रहेगा उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और जो तीसरा स्रोत हम मान के चलते हैं वो होता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण, और ये संपूर्ण जानकारी हमें भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व के इतिहास का भी ज्ञान प्रदान करती है। जैसे मान लेते हैं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमें कौन कौन से जो है स्रोतों की जानकारी मिलती है, कौन कौन से ग्रंथों की जानकारी मिलती है, या साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत की सिंपल सी परिभाषा हम मान लें कि साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक स्रोत वह स्रोत होता है, वह जानकारी प्रदान करने का माध्यम होता है जो हमें मुख्यतः किताबों से प्राप्त होती है, वही क्या है, साहित्य स्रोत। मुख्यतः जो जानकारी हमें किताबों से प्राप्त होती है उसी को हम मानते हैं साहित्यिक स्रोत। जैसे दूसरा स्रोत पुरातात्विक स्रोत, पुरा मीन्स होता है पुराना, तात्विक मीन्स पत्थर, अर्थात पुराने पत्थर पर जो लिखे गए साक्ष्य हैं उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह क्या कहलाता है, पुरातात्विक स्रोत। विदेशियों का विवरण, भारत में जो विदेशी आए उनके माध्यम से जो रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, जो भी माध्यम जो मिलते हैं उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वह कहलाते हैं आपका विदेशियों का विवरण, ठीक है। अब जैसे मान ले लें साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, दो प्रकार के ग्रंथों में से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है वह होता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ और दूसरा जो माध्यम होता है साहित्यिक स्रोत का वह होता है धार्मेतर ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? धार्मेतर ग्रंथ। पहला धार्मिक ग्रंथ, दूसरा धार्मेतर ग्रंथ। जैसे धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, मान लो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत भारतीय इतिहास की हमें जानकारी जो प्राप्त होती है वो वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना व्यवस्थाओं का जो उल्लेख मिलता है वह होता है प्रथम ग्रंथ। जैसे वेद, वेदों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेदों को सही तरीके से अध्ययन करने के लिए
वेदों के सहायक रूप में जो ग्रंथ होता है उसको बोलते हैं वेदांग। वेदांग जो हमें इतिहास वेदों को पढ़ने में क्या करता है, सहायता करता है, और जिससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेदों के और भी धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत जो प्राप्त होता है वो मान लेते हैं या होता है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और होता है उपनिषद, और इसी के अंतर्गत होता है आरण्यक। और धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आप लोगों को जो है जानना होता है रामायण, महाभारत और पुराण। मुख्यतः यही साहित्य वह ग्रंथ है जो धर्म से संबंधित होते हैं और जिनके अध्ययन करने के बाद हमें साहित्यिक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वेदों की बात करें तो वेदों में हमें मुख्यतः चार प्रकार के वेद होते हैं जो पढ़े जाते हैं, जो समझ में आते हैं। जैसे वेद ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, इस प्रकार से जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों में क्या लिखा है, वर्तमान वेदों वैदिक काल में जो व्यवस्थाएं थी वो चाहे सामाजिक रही हों, आर्थिक रही हों, राजनीतिक रही हों, वो सारी की सारी जो रचनाएं प्राप्त होती हैं वो वेदों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। वेदों की जो सहायक सामग्री के रूप में अर्थात क्या स्पष्ट रूप से थोड़ा सा जान सकते हैं कि वेदांग वह सिद्धांत होते हैं जो वेदों को सही तरीके से पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, वही वेदांग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ वह ग्रंथ होते हैं जिनका अध्ययन या जिनके द्वारा हम यज्ञों के यज्ञ विधि विधान, यज्ञ पूजा अर्चना के माध्यम से हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन करते हैं, या ईश्वरी जो है आध्यात्मिकता को पालन करते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। उपनिषद अर्थात गुरु के समीप बैठकर जिस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं वह होता है उपनिषद। आरण्यक जिसका अर्थ होता है जंगल में रहना, अर्थात जंगल में रहकर जिस ग्रंथ की रचना की जाए वह होता है आरण्यक। रामायण, रामायण को पढ़ के हम संपूर्ण राम की गाथा, राम के जीवन में होने वाले परिवर्तन, राम राज्य में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ है उनका अध्ययन करते हैं। महाभारत, महाभारत में हम जो है कृष्ण की भूमिका और कौरव पांडवों के धर्मयुद्ध की गाथाओं को पढ़ते हैं। पुराण, पुराण अर्थात जिन ग्रंथों की रचना बढ़ा चढ़ाकर करी जाए, अर्थात उनके द्वारा जो पुराण जो है ग्रंथ होता है उनका अध्ययन करते हैं। इन सारी धार्मिक व्यवस्थाओं के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। स्पष्ट हुआ बच्चों? अब ये जो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे साहित्यिक स्रोत अर्थात साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आने वाली जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनके माध्यम से तो हम लोगों ने समझ लिया। साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से एक और व्यवस्थाओं, एक और होता है ग्रंथ जिसके जिनके द्वारा हम लोग धर्म के बाहर की बातें पढ़ते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोगों ने एक पढ़ लिया धार्मिक स्रोत क्या है, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत पढ़ लिया। दूसरा जो माध्यम होता है वो होता है धार्मेतर, धार्मेतर अर्थात धर्म के तर, अर्थात धर्म से अलग। जैसे जिनका अपना स्वयं का धर्म हो, जैसे वेदों में हम लोग जो है देवी देवताओं का उल्लेख करते हैं, धार्मेतर ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग देवी देवताओं का उल्लेख नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पूजा अर्चनाओं का जो है हम व्यवस्थाएं पढ़ते हैं, धार्मेतर में पूजा अर्चनाओं की व्यवस्था नहीं करते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के धर्मों को देखा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म
और दूसरा जैन धर्म। ये दो ऐसे धर्म हैं जिनको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है, धर्मेतर, जो धर्म के अलग हों, धर्म के बाहर हों, जिसके माध्यम से हम लोग दो प्रकार के धर्मों को पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा को पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तन हुए हैं, उन्होंने समाज के किस प्रकार से बात रखी है, समाज में होने वाली परिवर्तन को किस प्रकार से जो है चलाने के लिए उन्होंने अपने नियम प्रस्ताव किए हैं। सेम उसी प्रकार से जैन धर्म के अंतर्गत जो आते हैं वो सारे के सारे धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, और इन सारी व्यवस्थाओं को पढ़ने के बाद भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हमने दो प्रकार के ग्रंथ पढ़े, दो प्रकार की व्यवस्थाओं को देख लिया। इसी स्रोत के अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के बाद एक और आता है जिसको बोला जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत एक दूसरा माध्यम होता है इतिहास को जानकारी प्राप्त करने का, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का यह दूसरा माध्यम है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो है पुराने प्राचीन पत्रों पर जो लेख लिखे गए हैं, पुराने पत्रों पर जो लेख लिखे गए हैं उनको पढ़कर किसी की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना, किसी भी स्थिति की जानकारी प्राप्त करना पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत होता है, वह भी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। जैसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत भी हम दो प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार के जो है स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे एक होता है शिलालेख और दूसरा होता है अभिलेख, एक शिलालेख और दूसरा अभिलेख। शिलालेख अर्थात पत्थर, पत्थर पर लिखे गए लेख को शिलालेख कहा जाता है। अभिलेख ये भी एक प्रकार का पत्थर है जिस पर लेख लिखा जाता है, जिसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। लेकिन शिलालेख अर्थात शिल अर्थात टुकड़े अर्थात पत्थरों की जो टुकड़े होते हैं उन पर आधी अधूरी जानकारी, पत्थरों को इकट्ठा करके वो किसी भी संपूर्ण जानकारी को प्रदान करते हैं, वह शिलालेख होता है। अभिलेख अर्थात एक ही पत्थर पर संपूर्ण जानकारी, एक ही पत्थर पर संपूर्ण जानकारी जब हमें प्राप्त होती है वह होता है अभिलेख, और अलग अलग पत्थरों पर जो जानकारी प्राप्त होती है वह होता है शिलालेख। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, मान लेते हैं भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन गुफाओं पर जो भी हमें चित्रण प्राप्त हुआ है उस चित्रण के माध्यम से हम लोग जो है उस पूर्वकालीन घटित घटनाओं का अध्ययन कर लेते हैं कि प्राचीन समय में कैसा क्या रहा होगा, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। और भी शिलालेख के कई उदाहरण हैं, मान लो छोटे छोटे जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि किसी किला की जानकारी प्रदान करने की, जब भी हम किसी भी किले में जाते हैं तो बाहर एक शिल पर कुछ जो है जानकारी प्रदान होता है, उसी को बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, अब इसके बाद में जो तीसरा जो स्रोत होता है इतिहास की जानकारी प्रदान करने का वो होता है विदेशियों का विवरण। तीसरी जानकारी जो हमें मिलती है
उसको बोलते हैं विदेशियों के विवरण से, अर्थात भारत में जो विदेशी आए हैं और भारत की मनोदशा को उन्होंने देखा और भारत की मनोदशा को देखकर उन्होंने जो है भारत के बारे में लिखा, उनको पढ़कर भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह कहलाते हैं विदेशियों का विवरण। जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई। मान लो मेगस्थनीज की एक किताब है इंडिका, इंडिका के माध्यम से हमें मौर्यकालीन व्यवस्था का पता पड़ता है। इंडिका जब भी मेगस्थनीज आया और उन्होंने भारत की भारत को देखा, भारत की कैसी मनोदशा है, भारत में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं, भारत में किस किस व्यवस्थाओं पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने इंडिका नामक किताब में लिख दिया, जिसको पढ़कर हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास की अधिकांश जानकारी विदेशी इतिहासकारों के माध्यम से ही हमें स्पष्ट प्राप्त होती है, क्योंकि अगर हम विदेशी इतिहासकारों को ना पढ़ें या प्राचीन काल में जो भारत की मनोदशा को देखें तो उस समय ये देखा गया कि भारत की मनोदशा या भारत से उत्पन्न होने वाले कोई भी इतिहासकार जो है साक्ष्यों के अभाव के कारण संपूर्ण जानकारी स्पष्ट नहीं दे पाया। परंतु जो विदेशी जो आए भारत में, उन्होंने देखा कि भारत के कुछ जो है विशिष्ट लोग उनकी सहायता की और उनके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं भारत के जो है जानकारी प्रदान करी, भारत की जानकारी को लिखना प्रदान किया। ठीक है, और यही इतिहास होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये तो संपूर्ण परिचय हो गया कि इतिहास हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। इस प्रकार से इतिहास को पढ़ने के लिए जो है किस किस माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, इतिहास को जो है सीक्वेंस में किस प्रकार से पढ़ेंगे, और इसी सीक्वेंस में अर्थात संपूर्ण इतिहास को पढ़ने के लिए, अर्थात भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए और सरल बनाने के लिए, हम इसी सब इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांट लेते हैं, जिसको हम जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये भारतीय इतिहास को जो बांटा गया है मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि उसका अध्ययन हम बहुत ही अच्छे तरीके से सरलतापूर्वक कर सकें। ठीक है, अब जो है प्राचीन इतिहास की जो जानकारी रहेगी वो हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे, वहाँ से हमारा जो है संपूर्ण इतिहास प्रारंभ हो जाएगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को, SK क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।